आज की पहली रेसिपी हम बना रहे हैं बहुत ही मजे की है। हम कर रहे हैं एक सहरी की डिश, ठीक है, सिंपल इजी। और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिल्कुल नए तरीके से, मुनफरद तरीके से एग्स कैसे बना सकते हैं। हम कर रहे हैं टर्किश एग्स। अच्छा, पैन मैंने प्री हीट पर रख दिया है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। डालडा का ऑयल है, ऑयल हमने इसमें ऐड करना है कुकिंग डालडा का, तकरीबन लेट्स से अराउंड 4 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं डालना बिकॉज हमने एग्स बनाने हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 हमने खाने के चम्मच ये डाल दिया। साथ हम टमाटर लेंगे तकरीबन 8, फिर आप लेंगे 4 से 5 अंडे, शिमला मिर्च, फिर आपने लेना है थोड़ा सा धनिया पाउडर, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक हसब जायका, थोड़ा सा नींबू लेंगे और हम लेंगे लहसुन ताज़ा और मिंट लीव्स। सिंपल येट इजी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। ये दही माह उस रेसिपी का ये यहाँ इसको आप यहाँ रखें। अच्छा, अब इस रेसिपी के लिए आपने सबसे पहले करना क्या कि आपने टोमेटो को प्रोसेस कर लेना है, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल देनी है। अच्छा, अब पेस्ट ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही हम इसको पानी बना दें, ठीक है। पेस्ट हम इसका की सूरत में बनाएंगे, हम थोड़ा रफ लुक रखेंगे, ठीक है? है तो मैं इसमें 2-3 टमाटर ऐड करता हूँ, ठीक है, अच्छा बिल्कुल आपने पेस्ट नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा आप इसको बेसिकली चॉप्ड की तरफ रखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब आपने करना क्या, सबसे पहले पैन गरम करेंगे, ठीक है, मैंने इसको यहाँ रखना है। हम लेंगे तकरीबन 3 लहसुन के टुकड़े, ठीक है, लहसुन लेते हैं यहाँ रखते हैं और इसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल देसी हो तो जाएंगे, डबल ट्रिपल कर देंगे। अच्छा, इनको सब साथ ले आते हैं, बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेते हैं, ठीक है, ये देखें हो गया, नाइफ टर्न करें, ओके, फाइनली चॉप करके आप इस, एंड दिस इज डन, ठीक है, नाइफ क्लीन करें, इसको उठाएं और यहाँ ऐड कर दें, ऑयल में फ्राई करेंगे। टिल्ट करता हूँ ताकि सारे ऑयल में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। एक चुटकी नमक डालते हैं, हिलाते हैं जरा, ठीक है, ताकि मजे का ऑयल में अच्छा जायका आए, ठीक है। अब इसको ऐसे फैलाना है कि हर जगह ये फैल जाए, ठीक है। अब हमने करना क्या, हमने टमेटोज लेने हैं, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिए टमाटर, सारे टमाटर ऐड किया, अब देख रहे हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं है। अच्छा, इसको मिक्स करते हैं और अंडे का एक नया फंडा मिल रहा है खाने को, ठीक है, ये मैं करूँ ना अगर मिक्स हो गया तो नीचे गिर जाए, वो कह रहा है आगे का सारा पीछे आ रहा है, ठीक है, तो हमने कर लिया। अच्छा, सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक ऐड किया इसमें तकरीबन मैंने डाला इसके अंदर 1/4 टीस्पून चुटकी के हिसाब से डाला था। अच्छा, 1/4 चाय की चम्मच हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 चुटकी काली मिर्च, तकरीबन 1/4 चाय की चम्मच धनिया पाउडर, और वापस से करेंगे मिक्स, आग कर लें तेज, ठीक है, और ये हम ऐसे ही पैन से ही मिक्स करेंगे, चम्मच की जरूरत ही नहीं, कर सकते हैं लेकिन अब जब मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना एक्सपर्ट होना जरूरी है ये काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको लिड देना है, लिड दे के फिर आप इसको पकाएंगे सही से, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको लिड दे के पकाऊंगा तकरीबन 2 मिनट के लिए, जब तक ये पक रहा है हम एक काम करते हैं, हम आज की एक और रेसिपी कर रहे हैं जो कि बहुत सिंपल रेसिपी है, उसका नाम है बेसिकली मैंगो स्मूदी। और जब मैंगो स्मूदी की बात करते हैं और अगर सीजन में मैंगो नहीं है तो क्या होगा, टैंग का साथ होगा, टैंग क्यों है मामा आप बताइए, क्योंकि टैंग है, आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें नहीं है, ओरिजिनल सही खालिस नेचुरल फ्रूट्स के साथ ये टैंग बनाया जाता है, तो साथ ही साथ ग़िज़ाइयत भी है, विटामिन सी और डी भी है, फ्लेवर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि फार्म फ्रेश मैंगो का। अच्छा, मैंने करना क्या, मैं बर्फ लेके आता हूँ फिर से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अगला स्टेप क्या है। अच्छा, अब हम करते हैं काम, माहम आप जरा थोड़ी सी प्लेट रिंस कर दें और वॉश कर दें ताकि हम इसको रेडी करें इस रेसिपी के लिए। और नाज़रीन, प्लेट हम धोएंगे लेमन मैक्स लिक्विड से, जो कि किसी भी आम बार की निस्बत ज़्यादा बर्तन धोता है, 3 गुना ज़्यादा बर्तन धोता है, और इसका 1 drop = 5 drops है, और स्क्रब की बात करें तो ये बर्तनों का बेस्ट पार्टनर है। तो नाज़रीन, 3 गुना चिकनाई कट गई है लेमन मैक्स लिक्विड से, अब
ये ले जी बासन, फुल की प्लेट आपके पास आ गई। यहाँ रखते हैं एवरीथिंग वॉश एंड क्लीन। यहाँ देखें इधर है जरा, लुक चेक करें, थोड़ा टोमेटोज का आप देख सकती हैं, बबल्स भी बन, बबल्स भी आ रहे हैं, ऑयल भी बाहर आ रहा है। इसको अभी हल्की आग पे छोड़ेंगे तकरीबन 2-3 मिनट, जब तक ये हो रहा है हम आते हैं इस तरफ। ठीक है माम, आपने आज हेल्प करनी है मेरी, आप मुझे दें मैंगो टैंग सबसे पहले। अच्छा इस रेसिपी में क्या क्या जाएगा? हम लेंगे 1 टेबल स्पून, ठीक है। इस टेबल स्पून के साथ हमने डालनी है थोड़ी सी चीनी, ज़्यादा नहीं क्योंकि बाकी जो है फ्लेवर कवर करता है टैंग। हमने डालना है इसमें 1.5 टेबल स्पून शुगर। शुगर के बाद मैं ऐड करूँगा इसमें आइस, ठीक है। वहाँ एक मेरी छोटी छुरी पेरिंग नाइफ लेके आइएगा ज़रा। अच्छा मैं इसमें ऐड करूँगा दही, मैं अभी बना रहा हूँ तकरीबन पूरे ख़ानदान के लिए स्मूदी। जी स्मूदी बेसिकली आपका समझे गोरों का है, मिल्क शेक को अगर आप मिक्स कर दें, अपना लस्सी में तो फिर आपका वो बनता है, ठीक है। अच्छा हमने इसको इस तरह किया, वैसे शहरी की डिशेस भी बना रहे हैं, ये एग भी हो गया साथ स्मूदी भी हो गई, तो शहरी के लिए तो आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई है। और साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क जो कि ओल्पर्स का है, और थोड़ी सी क्रीम भी आप लेके आएंगे प्लीज, ठीक है। यहाँ मैं डालता हूँ इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टेबल स्पून, ठीक है। मिल्क भी आ गया, क्रीम भी आ गई। अच्छा जी क्रीम हमने ओल्पस की ऐड करनी है इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून। मिल्क हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन सिर्फ और सिर्फ जी 1 पैकेट छोटा वाला, जो कि 1 पाव का पैकेट है, ठीक है। सहरी के लिए हम स्मूदी तैयार करें तो जी विद ऑल्पर्स मेक एवरी मॉर्निंग अ हैप्पी मॉर्निंग 100% जी, ठीक है। अच्छा ये ऑलमोस्ट हो गया, यहाँ हम आते हैं, ठीक है। यहाँ देखें टेक्सचर आपने इसका देखना है, बहुत ज़रूरी है टोमेटोज का। अच्छा आपको पता है ये इतना मज़े का है कि अगर आप इसको सिर्फ रोटी या नान या डबल रोटी के साथ लगाए तो मैं कहता हूँ स्वाद क्या मज़ा आ जाएगा। खैर मुझे दिल कर रहा है, मैं खा लूँ, मैं सोच रहा हूँ चख लूँ, लेकिन मेरा रोज़ा है। अच्छा अब आपने करना है कि बड़ा सिंपल आपने इसको करना है, आपने कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले मैं लूँगा शिमला मिर्च, बहुत ज़्यादा है, 1 लेते हैं, इसकी साइड से हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। ये फ्लावर टाइप की शिमला हो गई, लाइक शिमला मिर्च, फिर क्या हो सकता है, तो आप ना डालें, ना डालें, ओके। इससे ये नहीं है कि आपकी डिश जो है पूरी खराब होगी। अच्छा बिल्कुल फाइनली स्लाइस करूंगा इसको मैं, ठीक है। अब बेसिकली इसको आग आहिस्ते रखनी है मैम, आपने नजर रखनी है। अच्छा आपको शिमला नहीं पसंद? नहीं मैंने वैसे सोचा कि कोई और वेजिटेबल्स अगर कोई किसी की चॉइस हो, नहीं पता है मुझे लगा क्योंकि काफी लोगों को नहीं पसंद है, कुछ लोगों को पसंद होती है, बिकॉज एक बड़ी एक्वायर्ड टेस्ट है। अच्छा अब हमने करना क्या है, शिमला मिर्च को फैला लें, ठीक है। अभी सब कुछ आपने फैलाना ही है इस पे, ठीक है। ये हमने फैला दिया, ठीक हो गया, ओके। अच्छा थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे, सबसे पहले हमने लेना है 1 छोटा सा स्पून, ठीक है। अच्छा अब आपने पॉकेट्स बनानी है, ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, खानदानी मजा आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, खानदानी मजा लेना तो आप पॉकेट्स बनाएंगे ऐसे। मुझे लगा आप फेस बनाने लगे, ये आईज बन गए, ये आईज हैं, ठीक है। ये स्माइली, ये जो है ये बंदा नाराज हुआ है तो उसका मुंह सड़ा हुआ है, ठीक है। और ये रोदा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा, ओके। तो अच्छा अब ये हो गया, ठीक है। अब आपने करना कि आपने पॉकेट इसलिए बनाई, आप देख सकती है अगर गौर से देखें तो यहाँ बीच में सारा ऑयल आ गया है, इसमें हम यूज करेंगे एग्स, ओके वेरी, ठीक है। एक अंडा ये चला गया, दूसरा, कभी आपने सोचा आप ऐसे उछालें और ये नीचे गिर जाए? इंशाल्लाह अभी तक नहीं हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी। अच्छा और हम लेंगे चौथा अंडा, ये लगता है अंडा खानदानी है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा ये देखो असल में खानदानी अंडा है, ये देखो। अच्छा कुछ दिन पहले वैसे हम अंडों का जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे थे अंडे नहीं ठीक है। हाँ क्योंकि मुझे जब अच्छा अंडा नहीं होता है तो प्रॉपर्ली आपको खाना नहीं बनता। अच्छा अब आपने करना कि आपने थोड़ी सी लाल मिर्च लेनी है, फैला दें, ठीक है। चिली फ्लेक्स ऐड करनी, थोड़ी काली मिर्च, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वैसे अंडा लग रहा है क्योंकि हमने ऊपर अंडा डाला है, ठीक है। तो उसमें नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा आग हल्की रखनी है, केयरफुल रखना है कढ़ाई के अंदर या देखते में या फ्राइंग पैन में, उसको ढक्कन देके 1 मिनट छोड़ना है। होगा क्या, इसकी ही स्टीम इसमें रोटेट होगी, रोटेशन के साथ जायका आएगा, जायके के साथ मजा आएगा और आप इस मजे में खो जाएंगे।